हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको स्पाइसजेट एयरलाइंस की तरफ से एक न्यू वैकेंसी लेके आ गया हूँ, जो कि आपका चेन्नई लोकेशन के लिए हायरिंग की जाने वाली है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जॉब रिलेटेड मिलते रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपकी स्पाइसजेट की तरफ से, आपकी ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है, जो कि चेन्नई लोकेशन के लिए हायरिंग होने वाली है, जिसमें कि आप फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो दोनों हैं, वो आप दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नहीं करना, ये आपको 16 अप्रैल को जो है ये आपकी वॉक इन जो कंडक्ट होने वाली है, तो आप इसमें इंटरव्यू देने के लिए जो है वो आप इसमें जा सकते हैं। डेट अगर बता दूँ तो ये आपका 16 अप्रैल है। अगर टाइमिंग का मैं बता दूँ तो ये आपका सुबह 9 बजे से लेकर 12 AM तक जो है ये आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं वेन्यू बता दूं तो वेन्यू आपकी है कल्याण ग्रैंड होटल, 24247 GST रोड, बंदलोर, चेन्नई। ये आपकी जो है ये आपकी इंटरव्यू वेन्यू है। इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको दे दूंगा, ताकि आप वहां से भी जाके जो है वो आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी मिसकम्युनिकेशन जो है वो इंटरव्यू वेन्यू को लेके ना हो, तो आप वहाँ से जाके जो है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसमें और फर्दर डिटेल्स बता दूँ तो आपको ग्रेजुएट, अगर क्वालिफिकेशन बता दूँ तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और अगर मैं एज बता दूँ फ्रेशर्स के लिए, तो आपका 18 से 27 ईयर्स के जो आप एज लिमिट के बीच में जो है वो आप जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स, आपके पास पासपोर्ट, ये सब जो है वो आपके पास होनी चाहिए, अपडेटेड रिज्यूम, और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इतनी चीज़ जो है वो आपके पास जो है वो आपको होनी चाहिए। और ये जो चीज़ के लिए आपकी हायरिंग की जाएगी, ये आपकी है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव, ये दोनों चीज़ के लिए जो है वो आपकी हायरिंग की जाएगी। यानी आपकी ग्राउंड स्टाफ के लिए भी हायरिंग की जाएगी और आपकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी हायरिंग की जाएगी। तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कस्टमर सर्विस के लिए जाना है तो आप कस्टमर सर्विस वहाँ पर बता सकते हैं कि आपको वहाँ पर कस्टमर सर्विस के लिए जाना है, और अगर आपको सिक्योरिटी के लिए ऑप्ट करना है तो आप वहाँ पर HR से जो है वो आप बोल सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी में जाना है। तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर मैं सिक्योरिटी का जो लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें अगर मैं वर्क रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दूं, तो आपको सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शंस जो भी एयरपोर्ट पे या BCS के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलाइज्ड किए जाते हैं एयरपोर्ट को लेके, तो आपको उसको जो है वो आपको फॉलो करना है। फिर आपको स्क्रीनिंग, फ्रिस्किंग और ऑल ओवर सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स एंड देयर बैगेज, तो इस चीज़ का भी जो है वो आपको ध्यान रखना है। और कस्टमर सर्विस में आपको पता ही है कि आपके पास जो है वो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कस्टमर हैंडलिंग का, आप शिफ्ट में वर्क करने के लिए रेडी रहने चाहिए रोटेशनल शिफ्ट में वर्क करने के लिए। फिर आपको अगर कोई वर्क अंडर प्रेशर्स कभी कभी हो जाती है, तो आपको प्रेशर्स में वर्क करने जो है वो आपको आना चाहिए। आपके बॉडी पर कोई भी टैटू, स्कार्स, मार्क्स जो है ये सब आपके बॉडी पर जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का भी जो है वो आपको ध्यान रखना है। आई होप कि इसमें मैंने आपको पूरी जो है वो डिटेल्स बता दिए। तो अगर आपको इसमें फिर भी कुछ भी डाउट आता है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जॉब रिलेटेड मिलती रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।